Assalamu alaikum.

Hello, um, Assalamu um, I'm Vaji. I'm your course instructor for uh, MS110T, course title Applied Physics. Um, uh, here we uh, start our first new lecture uh, which is a of uh, electricity and magnetism. Uh, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म असल मेंशन होती हैं हमारे पास अप्लाइड फिजिक्स तो मेरे प्रॉपर पूरे स, जो है कोर्स है इसमें हमारे पास uh, uh, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है जिसमें हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड uh, से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सो uh, so, uh, इसमें हम जो फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फीड से रिलेटेड लेकिन इन सब चीजों को पहले सबसे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज 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 सो से क्या समझ में आता है है जो कोई भी चीज हो सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट uh, हो, हो सकती है हमारे पास सरफेस पे भी हो सकती है सो so, इसकी एक आसान सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कंट्रोल्स हाउ द पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये जो है मेटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कंट्रोल करती है पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती है हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज से हमें इसकी जो है अंदाज़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज असल में होता कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं एक होता है पॉजिटिव चार्ज एक होता है नेगेटिव चार्ज बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो यूनिट आपके पास होता है उसका कूलम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास यूनिट क्या है कुलम यहाँ पर आप राइट साइड पर देखें तो आप लोगों को जो है एक डायग्राम दी हुई है जिसमें इसकी अट्रैक्शन और रिपलजन के बारे में बताया है आ, अब जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अट्रैक्शन और रिपल्जन का होने का क्या वजह है टू अब

तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज उनका नेचर क्या है लाइक चार्जेस हैं सो so, जैसे ही वो करीब आएंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो डायग्राम आपके पास शो हो रही है चा, पॉजिटिव चार्जेस नेचर और ये बहुत पॉजिटिव चार्ज का नेचर है और यहाँ पर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो आपने देखा होगा कि इनकी डायरेक्शन क्या जा रही है ये आउटपुट जा रही है यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं बट इफ द ऑब्जेक्ट दैट हैव

ये डायरेक्शन शो हो रही है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें अगर दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे को दूर करेंगे एक दूसरे से So, charges, uh, uh, in 1911. इलेक्ट्रिक नेगेटिव इंटीरियर मल्टीपल्स ऑफ अ फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्जेस हमारे पास जो है चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्टाइज होता है कॉन्टाइज की बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है

Uh, अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो वो मुझे uh, जो है चैट में मैसेज कर सकता है सो so, हम ये कह सकते हैं कि इसने ये नेचर डिस्कवर किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं असल में वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज का और फंडामेंटल अमाउंट ऑफ हमारे पास चार्ज क्या है वो है आपके पास E इन मॉडरेट टर्म्स द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज सेट टू बी कॉन्टाइज यानी जब हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है यानी जहां से हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तो वहां कहा जाता है कि Q जो आपके पास क्या है कॉन्टाइज है जो हम यूज करते हैं चार्ज के लिए एज अ वेरिएबल क्योंकि हमारे पास क्या होता है डिफरेंट वैल्यूज होती है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो आपके पास होती नहीं है

तो इसका मतलब है प्रोटॉन्स भी क्या होंगे दो होंगे लेकिन दोनों जो है दोनों का नेचर क्या है उनको ऑपोजिट नेचर यानी प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो आपके पास क्या है ये अनलाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे आपस में अट्रैक्शन अट्रैक्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान जो है स्ट्रांग uh, होगी क्योंकि जितना uh, अगर इलेक्ट्रॉन अगर जो है आपके पास ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है यानी इसका मतलब न्यूक्लियस से करीब है तो वो न्यूक्लियस uh, से टाइटली बाउंडेड होगा दिस इज अबाउट नेक्स्ट टॉपिक है देन हियर वी आर डिस्कस अबाउट uh, जैसे मैंने आपसे बात की अभी के जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक uh, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज में उनका जो नेचर होता है कि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि like जो होते हैं like जो होती है, कोई भी लाइक like थिंग्स होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और जो अन लाइक थिंग होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द सेम साइन रिपेल one another and the charges with opposite अट्रैक्ट attract one another ये ऑब्बियस बात है यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है मैंने एग्जाम्पल ली है यहाँ पर कि एक मैंने जो है थ्रेड ली है उससे मैंने एक रबर की रॉड ले लिया है बांध दी है और यहाँ पर नीचे मैंने जो है एक ग्लास रॉड ले लिया है अब रबर की जो रॉड है उस पर जो है मेरे पास रबर क्या है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं और ग्लास जो है उसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रबर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ग्लास पे मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है तो क्या करेंगे अनलाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सो so, यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्टिव uh, uh, इनके दरम्यान अट्रैक्शन पाई जाएगी और अगर दूसरी डायग्राम में देखें तो दूसरी डायग्राम में हमारे पास हमने ग्लास को रिप्लेस करवा दिया रबर से अब दोनों का मटेरियल क्या क्या हो गया दोनों का मटेरियल आपके पास सेम हो गया और दोनों पे ही नेगेटिव चार्जेस हैं तो इनके नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गिलास मैं यहाँ थ्रेड की जगह जो हूँ थ्रेड की जगह ये वाली एग्जाम्पल ही ले लू अगर मैं थ्रेड में जो है रबड़ की जगह मैं गिलास ही रख दूँ तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे सो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस एंड द लाइक ऑब्जेक्ट्स तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में आपके पास जो ये वाली जो डायग्राम ए है उसमें हमारे पास हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमें दिख रही है वो ऑपोजिट चार्ज के दरमियान दिख रही है और जो अः जो बी है आपके पास डायग्राम बी उसमें जो है आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रही है आपके पास सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्जन दिख रही है बिटवीन लाइक चार्जेस क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को धूप भगा रहे होंगे अब आ जाता है हमारे पास दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज इज स्केलर चार्ज को हम स्केलर क्यों कह रहे होते हैं क्योंकि चार्ज को ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती ये एक नंबर होता है इसका यूनिट हमें पता है कूलम होता है और ये एक discrete, uh, uh, होते हैं ये तो हमेशा इसका अमाउंट सेम नहीं रहता क्योंकि आपके पास क्यू क्या है एक फंडामेंटल नंबर एक फंडामेंटल चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है जब हमें हम क्यू कैसे निकालते हैं क्यू इज इक्वल्स टू एन इन टू क्या है आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस और स्मॉल ई e क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चेंजेस होते रहते हैं जी मैम आप में में किस -किस की आ, फिजिक्स की क्लास है मैम ये किस किस डिपार्टमेंट की है मैं फिजिक्स की क्लास ले रही हूँ आप लोगों की ना मैम डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आपके मैम स... मैं डिपार्टमेंट जी 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 आ, मेरे पास जो बस... है अप्लाइड फिजिक्स का कोर्स मेरे पास ही आया है ग्रुप नंबर और आप लोगों की क्लास सर वीक में आप लोगों का ग्रुप नंबर फो, फोर है ना यस मैम ग्रुप नंबर है हमारा जी अब मुझे असाइन किया गया है आप लोगों के लिए और आ, मुझे देर दी हो गई क्योंकि मेरा इंटरनेट आ, काम नहीं कर रहा था अभी भी मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है मैंने डेटा कनेक्शन से जो है लगाया है मेरे मोबाइल डेटा कनेक्शन नहीं पैकेज नहीं हो रहा था बड़ी मैंने मुझे से ये कनेक्शन लगाया अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर यस मैम आवाज आ रही है और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो तो समझ में आ रहा है यस मैम मैम और बहुत सारे अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप लोग आखिर में या बीच में आप लोग पूछ सकते हैं ओके मैम हाँ मुझे पता है, लेकिन इस ग्रुप में मेरे पास शामिल है, लेकिन अभी आए नहीं है है क्लास का टाइमिंग ढाई बजे था और अ, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट था तो वजह से नहीं आ सके अगर आप बाकी सबसे कांटेक्ट करके आप बुला सकते हैं उनको बुला लीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है फिर मैं आप लोगों से कांटेक्ट करके मैं यही करूंगी कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लूंगी ताकि मुझे आसानी हो आप लोग से कांटेक्ट करने में मैं पता नहीं ना ग्रुप 4 का कौन ने किसे किसे बुलाया है सबको कोई सीआर है अच्छा खैर हम पहली क्लास कंटिन्यू करते हैं फिर इस बारे में बात करेंगे अ अच्छा एक प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस की कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो हमारे पास उसका नेचर होता है कि वो स्केलर होता है स्केलर हम उसको क्यों कह रहे हैं क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती वो एक अमाउंट है वो कोई नंबर है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है चार्जर ट्रांसफरेबल क्या चार्जर ट्रांसफर होते हैं अगर आपने एक बॉडी ले ली जो कि अपने अंदर जो है वो चार्ज है और दूसरी बॉडी ऐसी ले ली जो कि अनचार्ज है जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में मैं आपको दिखाया हुआ है ये वाली डायग्राम है इस डायग्राम में जो है आपने एक ग्लास रॉड ली हुई है और एक सिल्क का कपड़ा लिया हुआ है आप उस सिल्क के कपड़े पे सिल्क के क्लोथ पे आप क्या कर रहे हैं उस ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं अब उस के रब करने से क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लास रॉड है जो कि ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी है उसके जो है रबिंग से सिल्क क्लोथ पे क्या होगा कि चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा भी है इफ़ इफ अ चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव इट विल ड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अनचार्ज बॉडी अगर आपके पास एक बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है आप उसको एक ऐसी बॉडी से यानी रब करें यानी सिल्क से रब करें तो होगा क्या कि उस बॉडी पर जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ट्रांसफर हो जाएंगे और अगर आपके पास अगर ये बॉडी जो के charge, तो कि चार्ज तो है, है, है अगर उस पर नेगेटिव चार्जेस हैं तो क्या होगा कि उस पर आपकी जो अनचार्ज बॉडी होगी जिससे आप उसको रब कर रहे होंगे तो अब जाहिर है आपने एक ऐसी बॉडी को रब किया है जो कि चार्ज है अगर उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो वो क्या करेगी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी चार्ज बॉडी उसके पास पॉजिटिव चार्ज चार्जेस हैं तो वो ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन्स बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर मैंने अब उस ग्लास रॉड बॉडी है और उस वक्त ग्लास रॉड को मैं रब करूंगी अपनी आ, silk से, silk के से, तो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना ट्रांसफर कर देगा ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है और डायरेक्शन भी शो कर रहा है देखिए ये रबिंग की है इसने तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए लेकिन अगर ये ग्लास डॉट अगर नेगेटिवली चार्ज हो अब अब जाहिर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज है और अगर मैं इसको सिल्क के ऊपर जो है रब करूँ तो अब तब भी ये जो है ना मुझे इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे पास ये ट्रांसफर करेगी सिल्क क्लोथ पे ये देखे ये आपके पास ग्लास रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज थी इसको मैंने एक ऐसी सिल्क सिल्क रॉड के कपड़े पे मैंने रब किया सिल्क का कपड़ा मेरे पास इसका क्या है वो अनचार्ज है अब उसके पॉजिटिव चार्ज रॉड से जो है रब करने से सिल्क लोथ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए और इलेक्ट्रॉन्स तब भी ट्रांसफर होंगे जब मेरे पास ये ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज होगी क्योंकि तब नेगेटिवली चार्ज में उसके पास क्या होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मौजूद होंगे ठीक है तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने वर्डिंग्स में यहां लिखा हुआ भी है अब एक प्रॉपर्टी होती है इट इज ऑलवेज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अच्छा कोई और तो नहीं आया इट इज ऑलवेज कंज़र्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अब ये कंज़र्व्ड क्यों कह रहा है बिकॉज वेन वन बॉडी इज रिथ एनडर बॉडीज चार्जेज इज नॉट क्रिएटेड इन द प्रोसेस और वी कैन से इट डज नॉट चेंज वि यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप अगर किसी आ, एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी से रफ कर रहे हो तो चार्ज वहां पर क्रिएट नहीं होंगे ना वो टाइम के हिसाब से चेंज जो चार्ज है वो वैसे ही रहेगा बस ये होगा कि वो ट्रांसफर हो जाएंगे So, हमारे पास एक जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कहता है कि डिस्ट्रॉयड यानी ना उसको बनाया जा सकता है यानी ना उसको, उसको क्रिएट किया जा सकता है इसी तरीके से चार्जेस भी चार्जेस uh, भी है जो कि नाइधर बी क्रिएटेड नोट बी डिस्ट्रॉयड सो इट मीन्स इट इज ऑलवेज कंजर्व इन एन सिस्टम एक्सलेटेड

Uh, कोई फोर्स क्रिएट होती है उस फोर्स के क्रिएट होने से उनके दरमियान एक फील्ड भी जनरेट होती है वो कहलाती लाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट की हालत में हो तो उनके दरमियान जो फील्ड क्रिएट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि अगर चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट की हालत में हैं तो वो अपने बाकी सराउंडिंग में जो चार्जेस हैं उनसे मौजूद जो चार्ज जो फील्ड क्रिएट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि अगर वो रेस्ट की हालत में हो और अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सलैट कर रहे हो तो क्या होगा इट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलती है जब चार्जेस आपके पास मूव कर रहे होते हैं सो so, दोनों पे बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस्ड होगी जब चार्जेस रेस्ट की हालत में हो और मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस्ड होगी जब आपके पास चार्जेस मूव कर रहे हो वहां पर उस वक्त मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इफ एक्सलरेटेड मोशन चार

अब मैंने क्या किया उसको एनर्जी देना शुरू किया अब मैंने उसको एनर्जी ली तो वो क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा और चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में अब फिर मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि वो एनर्जी को रेडिएट करे अब एक्सलेशन की वजह से क्या हो रहा होगा एक्सलेट एक्सलेटेड मोशन है यानी ऊपर जो मैंने कंडीशन बताई इफ अ पार्टिकल इज एक्सलरेटेड तो पार्टिकल जब एक्सलरेट होता है तो उस वक्त उसकी जो है वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी ठीक है चेंज नहीं होगी कांस्टेंट होगी यहां पर क्या है अगर आप देखें पॉइंट नंबर वन जिसमें मैं कह रही हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वेलोसिटी आपकी जीरो है ठीक है चार्ज मूव नहीं करे यहाँ पर चार्ज मूव जरूर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड तो जब वो मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड तो वहां पर रेडिएशन आउट नहीं होंगे और जब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपसे कहा हायर एनर्जी लेवल से अगर अब वो आ रहा है लोअर एनर्जी लेवल में तो वो जंप आउट कर रहा है उसके वेलोसिटी में भी क्या होगा पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है ठीक है पॉइंट टू पर मैंने आपसे क्या बात की पॉइंट टू पर मैंने बात की इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विदेंट स्पीड तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल हायर लेवल में है और अब वो आ जाता है लोअर लेवल में दोबारा तो होगा क्या कि ड्यू टू अब वो क्या हो रहा है जंप कर रहा है एनर्जी अब तीन लूज करेगा तो एनर्जी जो रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन तो अब वो आ रहा होगा वापस हायर से लोअर एनर्जी लेवल में अब क्या हो रहा है और उसका एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी में चेंज पैदा हो रहा है जब वेलोसिटी में चेंज पैदा हो रहा है तो उसकी वजह से रेडियेशन इमिट आउट होंगे एनर्जी में भी चेंज आ रहा है तो हम इस बात पे थर्ड पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो ये मोशन है यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है पहले पार्ट में हमने बात की कि चार्ज जो है आपके पास रेस्ट की हालत में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसड हुई रेस्ट की हालत में मतलब आपकी वेलोसिटी यानी स्पीड आपके पास जीरो है की। फिर सेकेंड पार्ट में हमने बात की कि हमारे पास जो चार्जेस हैं, वो एक खास ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है अच्छा दूसरी बात अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो मैगनेटिक थोरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली पेंडिक्युलर होती है और हर वक्त ऑसिलेट करती रहती हैं फिर आपके पास थर्ड पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि कीजिए इलेक्ट्रॉन जो है है हायर एनर्जी लेवल में मौजूद और वो अगर कहां करके आ रहा है वापस दूसरे ऑर्बिट में लोअर एनर्जी लेवल में तो अब वो जम्प कर रहा है अब उसका क्या हो रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही अब उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया है तो जब वो चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही होगी वो रेडिएशन भी इमिट आउट कर रहा होगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ खत्म होती है अब हम जो है नेक्स्ट उस पर चलते हैं अब मेरे पास है आपका नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर आप लोगों को समझ आ गया होगा उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर के असर में वो है क्या कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि जी? जी? Uh, अगर किसी को कोई मसला है तो वो बोल सकता है, मुझे आपकी बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमें ग्रुप्स का नहीं पता कि हम कौन से ग्रुप आपको ये नहीं पता आप किस ग्रुप के हैं जी मैम ग्रुप नंबर फोर के नहीं है आप नहीं है आप ग्रुप नंबर फोर के हैं तो नहीं पता मैं कंफर्म नहीं है क्या अच्छा मुझे जो ग्रुप असाइन किया गया है उसमें स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप वो स्टूडेंट ना हो कंसंट्रेट करें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैंने आप लोगों को लिंक भेजा था मेल की थी मैंने वही स्टूडेंट मेरे पास आए हैं क्लास में टोरिजनम uh, बैलेंस ये आपके पास एक डायग्राम है टोरिजनल बैलेंस की जिसमें जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट था केविन डिश जिसने जो है इस डिवाइस को यूज किया था अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए सो so, पर जो चार्ज कुलम है यानी चार्ज वो इसको यहाँ पर क्यों यूज कर रहा है ये फाइंड करना चाह रहा है कि आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी सो so, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है आई बिल्कुल सेम है जो कि कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए किया था अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की हम बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा उसका वर्किंग बिल्कुल सेम है दिस इज द फर्स्ट क्वान एक्सपेरिमेंट द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस डन बाय अच्छा ये जो है पहला जो है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान कैसी फोर्स होती है वो किया था अः कुलम से फ्रॉम्स एक्सपेरिमेंट वी कैन एस्पायर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अच्छा अब इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स Statics मतलब यही होता है कि रेस्ट की हालत में होना यानी स्टेशनरी कंडीशन में होना तो जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फोर्स की तो, पर पर तो यहाँ पर भी हम जो है इलेक्ट्रिक uh, फोर्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि ड्यू टू uh, हमारे पास जो uh, नेचर है वो स्टेशनरी हालत में हो तो क्या होगा अब यहाँ पर जो हमारे पास जो डायग्राम है ये सस्पेंशन हेड लगा हुआ है आपके पास ये पूरा टोरिजनल बैलेंस है ये ऊपर सस्पेंशन हेड लगा है ये फाइबर लगा है और यहाँ पर आपके पास दो चार्जेस हैं दो चार्जेस आपके पास इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि ये एक ए और बी चार्जेस आपके पास क्या है पर्सनली ये दोनों स्फेयर है और दोनों के ऊपर चार्जेस हैं देन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेंस टू ट्विस्ट द सस्पेंशन फाइबर अब अगर एक चार्ज जो है दूसरे एक दूसरे पे क्या लगा रहा है अगर फोर्स लगा रहा है अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए अब ए और बी क्या है दोनों चार्ज हैं अब फोर्स जो लग रही है वो ए पे लग रही है अब फोर्स जो ए पे लग रही है वो जाहिर है अब बी की वजह से लग रही होगी ये जो बॉडी बी है ये जो आपके पास चार्ज बी है ये जो है हमारे पास चार्ज ए पर जो है फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा सस्पेंशन फाइबर ट्विस्ट करेगा कूल कैंसल आउट दफेक्ट

डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्र फोर्स जो होती है जो की एक दूसरे एक दोनों चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं ए बी पे लगा रही है या बी ए पे लगा रही है तो दोनों का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी डिपेंड्स करी होती हैं डायरेक्टली उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के यानी अगर एक चार्ज आपके पास क्यू वन है एक चार्जेस क्यू टू है दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो है अगर मैं करूं तो उस उसपे क्या हो रहा होगा मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करी होगी और वही इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस के इसकी सबसे अच्छी इग्जाम्पल क्या है इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास पार ये है कि एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के करीब जो सबसे न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट सबसे ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा करीब होगा वो जो है उससे ज्यादा टाइटली बाउंडेड होगा और डिस्टेंस सब क्या है उनके दरमियान कम है दोनों चार्जेस के यानी प्रोटॉन की या न्यूक्लियस में पॉजिटिवली न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है और ऑर्बिट में हमारे पास क्या रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो अब अगर हमारे पास मैंने आपसे कहा कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड स्टेट है अब वो ग्राउंड स्टेट वाला जो ऑर्बिट होगा मेरे पास वो न्यूक्लियस से बहुत करीब होगा तो अब उनके दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और अगर मैं एक ऐसे ऑर्बिट की बात करूं जो बहुत ही हाई हायर एनर्जी लेवल वाला है बहुत ही दूर है मेरे पास न्यूक्लियस से तो होगा क्या कि उनके दरम्यान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उतनी ही कम होगी तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिलेशन बनता है उनके डिस्टेंस से यानी ये वाला रिलेशन ये जो इक्वेशन बताई है फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अगर आप देखें तो फोर्स जो है जो कि वो कह रहा है कि डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है डिपेंड कर रही है डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं होगी और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही उन चार्जेस के दरमियान क्या होगी फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होगी फिर एफ इज द मैग्नीट्यूड एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल अब एफ क्या है मैग्नीट्यूड है उन दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं और Q1 और Q2 क्या है आर रिलेटिव मेजर्स ऑफ चार्जेस ऑन टू रिलेटेड एंड बी मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास जो हैं वो क्या है? A और बी हैं और दोनों ही मेरे पास चार्ज बॉडीज हैं तो मैं उन दोनों चार्ज बॉडीज को जो है ए और बी भी कह सकती हूँ और उनके ऊपर जो चार्ज चार्जेस हैं उनको मैंने बॉडी ए के चार्जेस को, ना, को नाम बॉडी ए के चार्ज को नाम दिया मैंने क्यू का और बॉडी बी के ऊपर जो चार्जेस है उनको मेरा नाम क्यू का ठीक है रिलेटिव मेजर्स टू दी और आर क्या है उनके दरमियान का डिस्टेंस है द फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू आधर अलॉन्ग द लाइन कनेक्टिंग दार्जेस अब होगा क्या द फोर्स क्या होगी वो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करिए होगी लाइन के थ्रू मेरे पास दिखा रहे होंगे अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप करके दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज ये है एक चार्ज मेरे पास ये है ये मेरे पास स्पेयर ए था इसके ऊपर मेरे पास चार्ज जो है क्यू वन है और ये मेरे पास स्पेयर टू था जो कि चार्ज था इसके ऊपर जो चार्ज है, वो Q2 है। वो इनके दरमियान अगर ये दोनों देखो अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान फोर्स जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड होगी ये फोर्स की डायरेक्शन है आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो डायरेक्शन इन्वर्ट होती है अब इनके दरमियान का जो फासला है उसको आप कह रहे हो आर सेपरेशन बिटवीन दिस चार्जेस इज कॉल्ड आर तो ये दिखाने का मकसद है कि ये जो लाइन है ना ये हमें बता रही है ये वाली लाइन ये बता रही है ये लाइन हमें ये बता रही है कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट द टू फोर्सेस पॉइंट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन बट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इवन द चार्जेस मे बी डिफरेंट अब उसने ये बात करी कि द टू फोर्सेस यानी अब जाहिर है Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं तो टू फोर्सेस पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन अच्छा अब मैंने आपसे दो चार्जेस की बात की है तो बॉडी ए जो है और बॉडी बी बॉडी ए बॉडी बी पे भी फोर्स लगा रही होगी और बॉडी बी बॉडी ए पे भी फोर्स लगा रही होगी तो दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में तो डिफरेंट होंगे लेकिन उन दोनों पे जो लगने वाली फोर्स होगी उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो सेम होगा चार्जेस चाहे कुछ भी हो तो उनकी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी क्योंकि बॉडी ए बॉडी बी पे भी लगा रही होगी और बॉडी बी बॉडी ए पे भी लगा रही होगी सो so अगर मैं देखे मेरे पास जो इस इक्वेशन में प्रोफोशनैलिटी का साइन था उसको मैंने जब रिप्लेस किया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया के लिटी uh, का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाता है के और उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोपनैलिटी तो इक्वेशन टू हमारे पास कहलाती है कूलम्स लॉ ठीक है अब इसमें जो ये के है ये इक्वल होता है के। अब आप ये देखिए कि इसमें भी हमारे पास ये जो k जिसके इक्वल है 0, ये दोनों क्वांटिटीज भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट है पाई भी जो एक कांस्टेंट है एपसाल नॉट भी एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली है मेरे uh, डायरेक्ट वैल्यू जो है इसकी लिख दी है कैलकुलेट करके लूंगी तो उसके लिए मेरे पास और जो है, अलग हो जाएगा। हर मटीरियल की अपनी खास जो है परमिटिविटी होती है लेकिन अभी हम बात करें परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस तो इसके लिए जो एफ की वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट रहती है एट पॉइंट एट फाइव इंटू डी टेन की पावर माइनस ट्वेल्व

ये का नाम मास एक का नाम मा, एक का मास होता था m1 और एक का मास होता था m2 जो है हम दोनों के दरमियान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड कर रहे होते थे बिल्कुल अगर आप देखें तो इस फोर्स की ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे पास इस इक्वेशन के जैसे सिर्फ फर्क क्या है कि ऊपर हमारे पास नेचर चार्जेस है और यहां पर हमारे पास यहां पर क्या है बॉडी के मैसेस हैं सो so, बिल्कुल ये लॉ हमें लुक लाइक किसके जैसा दिख रहा है न्यूटन इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों लॉस में सिर्फ फर्क क्या है दोनों लॉ इनवर्स और यहाँ पर जो आपके पास जो कूलम्स लॉ अहम किरदार किसका है चार्ज क्यूब का है क्योंकि अगर चार्जेस क्यू होंगे उनके दरमियान का जो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगी देन हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये वाला इसमें हमारे पास सबसे मेन रोल किसका है का है। One difference between the two laws is that, अब basically ये दोनों दिखने में तो सेम है लेकिन इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्ट ये दोनों अट्रैक्टिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ अर्थ एक बॉडी है मैं, मैं एक बॉडी हूँ मेरा और मैं अर्थ पे जब तक मौजूद हूं तो मेरी ग्रेविटी कुछ ना कुछ मैं अर्ट्र से अट्रैक्शन फील कर रही होंगी तभी मैं जो हूँ खड़ी रह सकूंगी सो so इट के इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी अट्रैक्टिव होगी लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो वो या तो रिपल्सिव हो सकती है या तो वो अट्रैक्टिव हो सकती है लेकिन डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द चार्जेस क्या है अगर रिपल्सिव होगी तो आपके पास चार्जेस जो है क्या हो सकते हैं लाइक चार्जेस होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे और अगर अट्रैक्टिव होगी तो दोनों चार्जेस क्या हो सकते हैं कि आपके पास ऑपोजिट होंगे अगर किसी को मेरी स्क्रीन शेयर ना हो तो मुझे बता दे अच्छा यहाँ जो अभी हमने कुलम्स लॉ पढ़ा उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम का डिस्कशन है ये आ, जो सैंपल बुक सैम्पल प्रॉब्लम है ये हेलीडे की बुक्स है मैंने लिया है हेलीडे वॉल्यूम टू फिफ्थ एडिशन फिगर नंबर सिक्स ये एक फिगर है जिसमें हमारे पास जो है ना तीन चार्जेस हैं बीच में चार्ज जो है क्यू है और फिर यहाँ पर एक चार्जेस है एक्स एक्सेस पे जिसको हमने नाम दिया है क्यू का और एक चार्जेस ये है क्यू ठीक है तो Q1 और Q3 अगर आप देखें तो नेगेटिव है Q2 आपके पास पॉजिटिव है अब असल चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है फिर हम जब इसकी सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो डायग्राम हमें सही से समझ में आएगी ठीक है फिगर से शो दैट फ्री चार्ज पार्टिकल हैज इन प्लेस बाय फोर्सेस नॉट शोन हमारे पास जो है इनकी सिर्फ ये बता दिए कि डायरेक्शन बता दिए फोर्स की लेकिन फोर्स की हमें वैल्यूज नहीं दी, दी हुई अब वो बोल रहा है सवाल में व्हाट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस के क्या इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ओइंग टू द अदर टू चार्जेस एक्स ऑन क्यू वन यानि ये जो चार्ज क्यू वन है इस चार्ज बाकी दो चार्जेस कितनी फोर्स लगा रहे होंगे जबकि हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्यू वन दिया हुआ है आपके पास वन पॉइंट टू सैपिंग मिस्टेक हो गई है जल्दी जल्दी में आई एम सॉरी, सॉरी और चार्ज क्यू टू दिया हुआ है 3.7 पॉइंट सेवन माइक्रोकुलम मैं इसको और Q3 दिया हुआ है हमारे पास 2.3 पॉइंट थ्री और आर वन टू आर वन टू जो है असल में डिस्टेंस है बिटवीन क्यू वन और चार्ज क्यू टू के दरमियान का इन दोनों चार्जेस के दरमियान का हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आर उसको हमने नाम दे दिया है आर वन टू का और इसी तरीके से एक डिस्टेंस हमें दिया है आर वन थ्री जो कि टेन सेंटीमीटर के बराबर है अब ये आर वन थ्री कौन सा डिस्टेंस है ये क्यू वन और क्यू थ्री के दरमियान का डिस्टेंस है अगर आप देखिए बीच में कौन सा चार्ज है क्यू वन चार्ज है और Q1 पे लगने वाली फोर्स Q3 की वजह से एक लग रही है और Q2 की वजह से लग रही है तो ये दोनों चार्जेस अलग अलग इस पे जो Q1 है इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमें फाइंड करनी है पहले हम जो है दोनों को चेंजेस कर लेते हैं यानी जो सुइटेबल इनके यूनिट्स होते हैं तो so, जो कि हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो हमने उसको आ, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो बड़ा यूनिट है तो हमने हंड्रेड से डिवाइड किया ये मीटर में कन्वर्ट हो गया पॉइंट वन फाइव क्योंकि हमारे पास वन मीटर बराबर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर के उसके बाद हमें थ्री दिया था टेन सेंटीमीटर उसमें भी हमने क्या किया इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दिया टेन को हंड्रेड से तो ये भी हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो गया अब हम जो है हमारे पास चार्जेस गिवेन है हमारे पास डिस्टेंस गिवेन है और तो अब हम फाइन कर सकते हैं कि हमारे पास क्यू वन पे चार्जेस क्यू टू और क्यू थ्री कितनी फोर्स लगा रहे होंगे

Q1 पे कितनी फोर्स लगा रहा है यानी ये वाला जो चार्ज है इस Q1 चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं अच्छा अब एक बात आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। सॉरी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इन्वर्ट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज लेकिन अगर आप यहां देखें यहाँ Q1 और Q3 दोनों का नेचर क्या है दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड है तो इट मींस अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो है फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं यानी ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट होगी या हम कह सकते हैं टू वर्ड अ चार्ज होगी सो अब हम ये फॉर्मूला यूज करें हम जो है uh, वो फोर्स फाइंड करने वाले हैं जो क्यून क्यू टू क्यू वन पे लगा रहा है Uh, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कुलम स्लॉ कहता है कि आपके पास एफ uh, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू के यहां मैंने K की वैल्यू रखी है Q1 और Q2 की वैल्यूज मेरे पास दी हुई है माइक्रो को मैं चेंज करूंगी टेन की पावर माइनस सिक्स से क्योंकि मेरे पास जो है वन माइक्रो बराबर होता है टेन की पावर So, यहां जो मेरे पास जगह-जगह माइक्रो uh, लिखा है, उसको मैंने रिप्लेस करवा दिया टेन की पावर माइनस सिक्स से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड कर रही हूँ मैं आर्क वन टू की वाली जिसको मैं क्या कर चुकी हूँ मीटर में uh, जो है फाइन कर चुकी हूँ मीटर नहीं मैं निकालती हूँ और इसका जो है r का स्क्वायर कह रहा है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगी जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास कैलकुलेट होकर जो फोर्स आएगी वो 1.77 न्यूटन आएगी ये वो फोर्स होगी जो चार्ज Q2 चार्ज Q1 पे लगा रहा होगा The चार्जेस Q1 and Q2 have opposite signs, so that the force between them is attractive. अब मैंने आपसे क्या कहा था कि चार्ज Q1 और Q2 का nature क्या है? वो opposite है, opposite charges हैं. और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है इनवर्ट है तो इसका मतलब है वहां पर जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी अट्रैक्टिव होगी जैसे हमें देख भी रहे। अब चलते हैं, आपने, आ, एक फोर्स तो हमने फाइंड करेंगे जो एफ जो चार्ज क्यू थ्री क्यू वन ये देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला है यहाँ पर जो है अब चार्ज क्यू टू की जगह क्यू थ्री आ चुका है तो उसको हम फोर्स कह रहे हैं एफ वन थ्री ये के की वैल्यू है ये Q1 की वैल्यू है वही माइक्रो को रिप्लेस कर दिया 10 की पावर माइनस सिक्स बराबर था 2.3 पॉइंट थ्री कूलम, तो वो लिखा हुआ है और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास पॉइंट वन जीरो मीटर तो आर का स्क्वायर कर दिया कैलकुलेट किया तो वो भी हमारे पास फोर्स आ रही है टू पॉइंट फोर एट अब हमारे पास ये फोर्सेस तो आ गई कि दोनों चार्जेस के ऊपर यानी Q1 पे दोनों चार्जेस कितनी फोर्स लगा रहे हैं टू चार्जेस हैव द द सेम नेगेटिव साइन सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव अब ये कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस जो चार्जेस आपके पास कौन सा चार्ज Q1 और चार्ज Q3 दोनों की साइंस क्या है नेगेटिव है तो दोनों के दरमियान की जो फोर्स क्या होगी वो क्या होगी रिपल्सिव होगी क्योंकि दोनों का साइंस सेम है

और उसपे लग रही है फोर्स Q2 चार्ज लगा रहे हैं और चार्ज जो है Q3 जो है जो उस पे फोर्स लगा रहे हैं अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि द कॉम्पोनेट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स F1। अब हजन हमें हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो Q1 पे जो फोर्सेस लग रही हैं, उस फोर्स के जो है जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे पास जाहिर है फोर्स क्या है एक वेक्टर क्वान्टिटी है और अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं हम उसको तोड़ देते हैं उसके कंपोनेंट्स में तो यहाँ पर हम उसको उसके टू uh, डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई एक्स की तो हम उसको उसके एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक करेंगे ठीक है तो यहाँ जो है अगर आप देखो कि एक्स कॉम्पो एक्स की डायरेक्शन में मेरे पास मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या ये मेरे पास जो है Uh, ये एफ वन पे फोर्स लग रही है आपके पास इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन मेरे पास एक ये है क्यू वन पे डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो अगर हम अगर अगर हम हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे फोर्स जो एफ वन है हमारे पास जो चार्ज क्यू वन पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो एफ वन है अब मुझे उसका एक्स एक्स कॉम्पोनेंट और मुझे वाई कॉम्पोनेंट है और चार्ज क्यू वन पे जो लगने वाली फोर्स है वो क्यू टू और क्यू थ्री की वजह से लग रही है तो मैं क्या करूंगी कि मेरे पास जो Q1 पे जो फोर्स F1 लग रही है असल में वो सम होगा किसका वो सम होगा उन टू फोर्सेस का जो के X कंपोनेंट में होंगे अगर मैं डायग्राम की तरफ जाऊं तो मेरे पास जो चार्ज Q2 चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन को देखूं तो ये टोटल जो जो फोर्स है जो फोर्स फैक्टर क्या है अलोंग द एक्स एक्सेस है सो इट मीन्स अगर मैंने इस फोर्स को इसके कॉम्पोनेट में ब्रेक किया तो मुझे सिर्फ इसका क्या मिलेगा सिर्फ इसका मुझे एक्स कॉम्पोनेंट मिलेगा वाई कॉम्पोनेंट में ही मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि असल में ये फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग द एक्स एक्सेस है सो यहाँ मैंने देखे इस एफ वन टू ही रखा है और अगर मैं यहाँ जाऊं ये यह जो फोर्स है ये एफ वन थ्री अब मैं इसको इसके कॉम्पोनेंट ने ब्रेक कर रही हूँ तो एक कॉम्पोनेंट यहाँ होगा एक कॉम्पोनेंट मेरे पास यहाँ लगेगा ठीक है तो एफ वन थ्री इज इक्वल टू अच्छा एफ वन टू हमारे पास कितना आया था वन पॉइंट सेवन सेवन प्लस एफ वन थ्री कितना है टू पॉइंट फोर एट अच्छा जो थीटा है ना यहाँ पर जो एंगल है ये वाला एंगल मेरे पास ये वाला एंगल मुझे गिवन है थर्टी टू डिग्री जो कि अलोंग द x एक्सिस लग रहा है इसका एक कॉम्पोनेंट मेरे पास ये होगा एक कॉम्पोनेंट मेरे पास ये होगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको पुट किया है तो ये मेरे पास आया है प्लस होके 3.08 न्यूटन फिर मैंने क्या किया अब मैं उसी चार्ज q पे जो फोर्स लग रही थी f1 मैं उसका y कंपोनेंट फाइंड करना करना चाह रही हूँ। और वो जो y कंपोनेंट होगा असल में उन दोनों फोर्सेस का ही जो है y उन दोनों फोर्सेस के ही y कंपोनेंट का सम होगा जो q2 और q3 मिलकर q1 पे लगा रहे हैं तो मैंने आपसे बात की कि मेरे पास जो आ, चार्ज Q2 है और चार्ज जो Q1 है उनकी जो फोर्स की डायरेक्शन क्या है अलोंग है तो हमारे पास जो टोटल फोर्स लग रही है वो पूरी के पूरी एक्स की डायरेक्शन में है तो अगर मैं उसके कॉम्पोनेंट में उसको ब्रेक करती हूँ तो मेरे पास उसका वाई कॉम्पोनेंट तो मिलता नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर मेरे पास एफ वन टू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी

जिसकी वजह से मेरे पास ये क्या होगा ये माइनस में होगा sin 32 जबकि यहाँ पर प्लस है लेकिन मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव uh, y एक्सिस पे है तो इसीलिए मेरे पास ये कंपोनेंट क्या होगा ये मेरे पास जो है नेगेटिव होगा फिर मल्टीप्लाई करूंगी उसी एंगल से साइन 32 से तो मेरे पास ये सॉल्व होकर मेरे पास आ जाएगा -2.10 न्यूटन फ्रॉम दिस कंपोनेंट यू शो दैट दैट f1 इज 3.73 अब मेरे पास फोर्स F1 का x कॉम्पोनेंट भी आ गया y कॉम्पोनेंट भी आ गया अगर मैं इनको जो हूं क्या करूं इनको मैं अगर फॉर्मुला अप्लाई करूं इन पे हमारे पास जो है अगर मैं किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैं क्या करती हूँ मैं उन दोनों उस वेक्टर्स के एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट के स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट ले लेती हूँ ये देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जवाब आप तो आपके पास ये आंसर आएगा ये दोनों वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर्स का सम लेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास फोर्स निकल के ये आ जाएगी और वो कह रहा है कि उसको एंगल भी चाहिए कि अलोंग द एक्स एक्सेस वो कितना एंगल बना रहा होगा तो वो आपके पास आएगा माइनस थर्टी फोर यह आप लोग खुद निकालिएगा एंगल वो एफ एफ वाई और एफ एक्स को माइनस करके हमारे पास थीटा जो आता है डायरेक्शन जो आती है वो आती है टेंजेंट इनवर्स फोर्स एफ और ये आएगा नीचे हमारे पास एफ वन एक्स यानी फोर्स हमारे पास एफ वन है तो ये एफ वन हो जाएगा यानी उसके वाई कॉम्पोनेंट को उसके एक्स कॉम्पोनेंट से डिवाइड कर दू और उसके उसमें टेंजेंट का इन्वर्स ले लू तो मेरे पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी थर्टी फोर डिग्री ये न्यूमेरिकल यहाँ खत्म हुआ अब आए हमारे पास सैम्पल नंबर टू प्रॉब्लम ये यह प्रॉब्लम है इसमें कुछ नहीं है ज्यादा नंबर नंबर प्रॉब्लम टू एक कॉपर पेनी है जिसपे हमारे पास वो कह रहा है कि कंटेन्स बोथ एंड नेगेटिव चार्जेस आपने एक पेनी ले ली जो कि कॉपर की है उसके ऊपर चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और उन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है यानी क्यू है वो क्या है 1.37 की पावर माइनस फाइव कूलम यानी इसका मतलब है कि मेरे पास उस कॉपर पेनी पे जो दोनों चार्जेस लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है ये है सेम है सेम 1.37 की पावर माइनस फाइव कूलम अब वो कह रहे हैं सपोज दैट डी चार्जेस कुड बी कंसेंट्रेटेड इनटू टू सेपरेट बंडल्स अब सपोज कर लीजिए कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ फासले पर हैं और इनटू टू सेपरेट बंडल्स यानी कहा है टू सेपरेट बंडल्स में मौजूद है दोनों चार और एक दूसरे से इनका दरमियान का डिस्टेंस कितना है हंड्रेड मीटर है अब वो कह रहा है व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स वुड बी एक्ट ऑन ईच बंडल अब दोनों बंडल एक दूसरे पर कितनी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे हमने क्या बात की हमने कहा कि हमारे पास कॉपर पेनी है और उस कॉपर पेनी पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं नेगेटिव चार्जेस भी हैं और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ठीक है अब हमने सपोज किया कि दोनों चार्जेस क्या हैं दोनों चार्जेस अलग अलग बंडल्स में मौजूद हैं और एक दूसरे से हंड्रेड मीटर के फासले पर है अब वो कह रहा है कि क्या अट्रैक्टिव फोर्स उन दोनों बंडल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सवाल में हमें वही दिया था कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 1.37 टेन की पावर माइनस फाइव कूलम हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स तो हमारे पास कहता है कि एफ इज इक्वल टू के जो कि कांस्टेंट है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द सेपरेशन ऑफ द स्क्वायर्स इज एक टू के की वैल्यू रखी और q1 और q2 टू सेम है यहाँ चाहे तो आप दोनों का स्क्वायर कर दें नहीं तो अलग अलग वैल्यूज रख दें मैंने अलग अलग वैल्यूज इसलिए रखी कि आप लोगों को सही से समझ में आए मैंने दोनों का स्क्वायर नहीं मैंने पूरी वैल्यू का स्क्वायर नहीं किया वरना कंफ्यूज हो जाते कि ये चीज क्या हो रही है और आर आपको दिया हुआ है हंड्रेड तो उसका हम स्क्वायर करें देन हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फोर्स निकल कर आ रही है 10 की पावर माइनस फोर न्यूटन ये नोमेरिकल हमारा यहाँ खत्म हो गया हमें अट्रैक्टिव फोर्स फाइंड करनी थी तो वो निकल कर आ गई अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है इसमें जो है मैंने दो चार्जेस जो दिए हुए हैं हाइड्रोजन एटम के लिए वो दिए हुए हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ मैंने जो है कुछ शायद मिस्टेक कर दिया उसको मैं सही कर दूंगी अभी थोड़ी देर में तो मैं आपको फिर सेंड करूंगी अभी इसको नोट मत कीजिएगा

अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे वो भी फाइंड करनी है तो हमने जो ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला ये वाला फॉर्मूला सेकेंड पार्ट में यूज होगा और ये जो कूलम्स लॉ है ये वाला आपके पास फर्स्ट पार्ट uh, में यूज होगा तो दोनों जो है फॉर्मूले आपने यूज uh, करने हैं और uh, एक में जो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है और एक में आपने अलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स फाइंड करनी है तो ये नुमेरिकल आपने खुद करना है ये आपका होमवर्क है अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अभी हमने अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है हमारे पास अगर जो है चार्जेस एक जैसे हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपर्से फोर्स होगी और उनकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी ठीक है और अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं तो दर, उनके दरम्यान की जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ट होगी अब उन चार्जेस क्या है वो चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में यानी रेस्ट की हालत में तो उनके दर उस वहां पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वहां पर उनके दरम्यान जाहिर है फोर्स भी लग रही है अब उस फोर्स की वजह से उन चार्जेस के दरम्यान की वजह से वहां पर जो फोर्स फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो क्या कह रहा है इट इज अ रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एग्जर्टेड और एन अदर चार्ज पार्टिकल देखो अब इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अगर एक चार्ज मौजूद पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए सेंटर में एक चार्ज मैंने सिर्फ ये एक चार्ज ले लिया ठीक है अब मुझे नहीं पता इसकी में कितने चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव हैं या है? नेगेटिव है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक रीजन ले लिया ये वाला अब इस रीजन में मौजूद इस चार्ज के सराउंड में जितने भी चार्जेस होंगे वो क्या कर रहे होंगे इस चार्ज पे चार्ज के दर, इनके और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा इनके दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी ठीक है और वो चार्जेस क्या है रेस्ट की हालत में मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास जैसे एक चार्ज है या मैं फर्ज कर लू अपनी बात कर लू मैं मैं जो हूँ खड़ी नहीं हूँ और अगर मेरे अः में जितने भी लोग हैं तो उनसे मुझे क्या फोर्स फील होगी फोर्स फील होगी और मैंने एक रीजन क्रिएट किया हुआ है और उस रीजन में मैं जहां जहां मुझे फोर्स फोर्स लग रही होगी तो उनके लगने से वहां पर हमारे पास एक रीजन क्रिएट हो जाएगा और वो रीजन क्या लाएगा क्या अराउंड डिस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मेरे अराउंडिंग मेरे सराउंडिंग्स में अगर जितने भी लोग हैं और उनके दरमियान मेरे दरमियान जो है उनके दरमियान फोर्स लग रही है तो वहां पर जो फोर्स लग रही होगी अराउंड अ चार्ज पार्टिकल या अराउंड मी तो वहां पर एक रीजन क्रिएट होगा और उस रीजन को आप असल में कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन आसान सी ये भी है कि इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी आपने एक चार्ज कंसिडर कर लिया और उस एक चार्ज पे आपने एक रीजन क्रिएट कर लिया कि इस रीजन में जितने भी चार्जेस मौजूद हैं वो इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे होंगे ठीक है और इस charge पे जो लगने वाली होगी, उसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो वो क्या लाती है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन और क्यू जो कि चार्ज है उसका यूनिट होता है आपके पास कूलम तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर कूलम यहाँ मैंने लिखा भी है ई e क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर कूलम यहाँ मैंने जो है इनके अः uh, एब्रीवेशन मैंने यहाँ लिखे हुए यहाँ पर मैंने इनका सिंबल ले दिया न्यूटन सी फॉर कूलम अच्छा द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इजिन टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड बी एक्सर्टेड ऑनिटिव चार्ज अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बिल्कुल वही सेम होगी जैसे आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होती है अगर फोर्स के जैसे मैंने आपसे ये ये बात की कि जो फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तो जो डायरेक्शन फोर्स की है उसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी ठीक है तो फोर्स की डायरेक्शन ये तो एस सेम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, होगी. अगर मैंने आपसे यही कहा कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जिस के दरमियान अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उनकी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो आउटफट होती है तो इसी तरीके से उनकी फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी आउटपट होगी और अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इन्वर्ट होती है तो हम ये बात कर चुके हैं कि फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो हमारे पास जो है डिफरेंट चार्जेस uh, का अगर नेचर होगा तो उसमें फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी इन्वर्ट होगी जैसे फोर्स की डायरेक्शन आपके पास इन्वर्ट होती है फिर आता है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कि अगर हम बात करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी अगर एक पॉइंट चार्ज पे लग रही हो हमारे पास पॉइंट हमारे पास डायग्राम है डायग्राम बनाई है <coughs> अच्छा, यहाँ डायग्राम में मेरे पास दो चार्जेस नहीं है बल्कि दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो ये डायग्राम जो है हमारे पास हमारी नेक्स्ट उसके उसके लिए है जब हम फाइंड कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस यहाँ पर आ से मतलब है, कि एक जो है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और अगर मैं कर दूसरे तो मतलब बहुत सारे चार्जेस मिलकर जो है फोर्सेस लगा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूसड होगी सो लेट एस कंसिडर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बी प्लेस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज उसने कहा कि आप एक टेस्ट चार्ज आप एक पॉइंट टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लीजिए अब उस पॉइंट टेस्ट चार्ज को आपने नाम दे दिया क्यू नॉट का वो बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर वो एक चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है आर डिस्टेंस पे और वो पॉइंट चार्ज असल में क्या है वो आपके पास क्यू है ठीक है

के के सिंबल आपके पास पड़ा है Q2 टू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास क्यू वन क्यू नॉट के बराबर है और क्यू टू मेरे पास क्यू के बराबर है तो यहाँ वन को रिप्लेस कर दिया से से और को को रिप्लेस कर दिया Q, Q2 को रिप्लेस कर कर दिया दिया द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज हम पीछे पढ़कर आए हैं कि हमारे पास जो है इसका फॉर्मुला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपॉन क्यू और यहाँ पर मैं निकालना चाह रही हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ है. तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितनी लग रही होगी अब मैं वो करूंगी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है की वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के ठीक है अब इस वक्त मेरे पास चार्ज क्या है पॉइंट चार्ज है तो मैंने यहाँ पर q मेरे q की जगह मेरे पास क्यू नॉट हो जाएगा F मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है अपॉन स्क्वायर के तो इस F की जगह मैं क्या लगाऊंगी इस F की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी और क्यू नॉट जो इससे डिवाइड हो रहा है उसको मैंने अलग से लिख दिया अब क्या होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे मेरे पास क्यू नॉट मौजूद है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा क्या सिर्फ K इन क्यू अपॉन आर स्क्वायर द डायरेक्शन ऑफ इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑन एफ अभी मैंने आपसे क्या बात की थी मैंने आपसे यही बात की थी कि मेरे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एग्जेक्टली सेम वही डायरेक्शन मेरे पास किसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो वो यही कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ई इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑन एफ अलॉन्ग अ रेडियल लाइन फ्रॉम क्यू पॉइंटिंग आउटवर्ड इफ क्यू इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड अगर मेरे पास क्यू नॉट जो है पॉजिटिव है क्यू भी पॉजिटिव है ठीक है तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड, और यही सेम मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी और अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास चार्ज तो पॉजिटिव है क्यू नॉट पॉजिटिव है लेकिन जो पॉइंट चार्ज है वो मेरे पास क्या है नेगेटिव है तो मेरे पास डायरेक्शन क्या होगी अब मेरे पास ये नेगेटिव है नेगेटिव इस तरफ डायरेक्शन होगी टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी इनवर्ट है ये डायरेक्शन मेरे पास आउटवर्ड है फॉर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायरेक्शन मेरे पास इनवर्ट है फॉर द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी अब आते हैं हम वही उसी पीछे वाले फॉर्मूले को ही लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो फॉर्मूला आया था वो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आया था अब हम निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू अंड पॉइंट चार्जेस अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं पहले हमारे पास सिर्फ क्यू नॉट पे एक चार्ज फोर्स लगा रहा था क्यू अब हमारे पास उस क्यू नॉट चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस मिलकर फोर्स लगा रहे हैं तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एन पॉइंट चार्जेस पहले हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था क्यू अब आपके पास एन पॉइंट चार्जेस हो गए तो आप हर क्यू को क्या दे देंगे नाम दे देंगे Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन कैलकुलेट ई एन ड्यू टू चार्ज एन एट द पॉइंट एज इफ वी वर ओनली चार्ज प्रेजेंट यानी अब वो कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए जो के N charges मिलकर उस चार्ज पे लगा रहे Add these separately fields, vectorly to find the field. अब एक चार्ज पे जो बहुत सारे मिलकर चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं और उनकी वजह से जो वहां पर फील्ड प्रोड्यूसड हो रही है हम क्या करेंगे उन तमाम फील्ड्स का क्या ले लेंगे हम तमाम उसकी फील्ड्स का सम ले लेंगे और उन सब का सम बराबर होगा टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के जो उस चार्ज पे लग रही होंगी ठीक है ये वो अलग अलग फोर्सेस हैं जो अलग अलग चार्जेस वो एक पॉइंट चार्ज पे लगा रहे होंगे और उन तमाम उस और अगर मैं उस पॉइंट चार्ज पे टोटल लगने वाली फोर्स फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी वो मैं उन तमाम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम ले लूंगी या मैं कहूंगी जब मैं फोर्स की बात कर रही हूँ तो मैं ये बात कहूंगी कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज पे जो बहुत सारे चार्जेस मिलकर जो फोर्स लगा रहे हैं तो उन उस वो तो फोर्स अलग अलग होगी जो तमाम चार्जेस लगा रहे होंगे लेकिन अगर मैं सिर्फ एग्जेक्टली exactly उस पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है वो मैं फाइंड करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगी उन तमाम फोर्जेस की वजह से जो लगने वाली फोर्स होगी उनका सम कर लूंगी और इसी तरीके से मैं बात करू इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होगा कि हमारे पास जो उस एक पॉइंट चार्ज पे उन तमाम चार्जेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई होगी अलग अलग उन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर लूँ तो मेरे पास वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो उस पॉइंट चार्ज पे क्या होगी लग रही होगी और उनका सम जो है अब जब हम सम लेते हैं तो वो के इक्वल होता है अच्छा अभी मैं यहीं रुक रही हूँ अजान हो रही है हम पांच मिनट का ब्रेक करते हैं है नहीं क्लास कम चल रहा है क्लास कम चल रहा है आजान लिए बहन लिए कोल्डी कोल्डी रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही ऑन कर दी थी अगर किसी को आ, किसी का लेक्चर अगर बीच में जब मिस हुआ हो उसने मुझे लेट ज्वाइन किया हो तो वो रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकता है आप लोग सिर्फ एक ग्रुप बना लें जो डिफरेंट अगर इस ग्रुप फोर में डिफरेंट जो है बैजेस के जो स्टूडेंट एड हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होगा कि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होगा कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से होगा या किसी भी दूसरे बैजेस से हैं तो वो सिर्फ कोई बन जाए तो सब उसको अपना नंबर फॉरवर्ड कर दें सो so, अगर फिर जब जो सीआर जो अगर सीआर आर में अब्दुल्ला आप सीआर बन रहे हो मैं अगर, दिल्ला, आप, दिल्ला। आ, अगर आप ठीक है अगर आप सी आर अगर बनना चाह रहे हो तो आप सबका कांटेक्ट नंबर अपने पास ले लो अपने पास और वाट्सएप पे और एक ग्रुप क्रिएट करो फिर आ, मैं आपका नंबर अपने पास नोट कर लूंगी तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी तो आप मुझे उस ग्रुप में क्या करना ऐड कर लेना तो मुझे आप लोगों से कॉन्टेक्ट करने में आसानी होगी ताकि बाद में बीच में आगे जो भी आ, होता है ताकि मुझे आप लोगों से मेरा आप लोगों का इंटरेक्शन रहे ठीक है टीचर अच्छा ठीक है मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ अजान तकरीबन हो गई है अच्छा हम बात कर रहे थे फोर्सेस की सम अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमने ये बात की थी कि अगर एक पॉइंट चार्ज पे मिलकर बहुत सारे चार्जेस अगर जो उनकी वजह से जो वहां पर फोर्स लग रही है उस फोर्स फोर्स के क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगी तो अब उन तमाम चार्जेस अलग अलग उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट चार्जेस से तो उन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड का सम अगर मैं कर दूं तो मेरे पास असल में वो फील्ड आ जाएगी जो टोटल उस चार्ज पॉइंट चार्ज पे लग रही होगी तो मैंने आपसे बात की कि मेरे पास चार्जेस क्या है वो एंड पॉइंट चार्जेस हैं तो मैं इवन वन ई टू डॉट 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 कहाँ तक ले गई एंड पॉइंट क्योंकि मुझे उन तमाम चार्जेस की मुझे तादाद नहीं मालूम तो मुझे उस पर लगने वाली फ़ोर्स भी नहीं मालूम कितनी होगी और इस तरह मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सारी होगी तो मैंने उसको एक नाम दे दिया कि वो एंड फील्ड हो सकती है और उन सबका सम कर दिया ठीक है उन सबका सम किया तो मेरे पास सम को मैं जो हूँ जब रिप्लेस करती हूँ तो उसकी जगह मैं ये स, आ, सिंबल यूज करती हूँ समेशन का समेशन का मतलब होता है कि आप सम के लिए यानी अगर आप आ, इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो समेशन आप इसीलिए यूज करते हैं कि सम आप कुछ करना चाह रहे हैं और यहां पर मैंने लिख दिया कि ये क्या है ई एन ई एन फॉर यानी एन आपके पास क्या है असल में वन टू थ्री और उसकी क्वांटिटी कहाँ तक जा रही है वो एन तक जा रही है यानी आपके पास ये जो ई वन और ई टू थ्री है असल में ये एन को क्या कर रहे हैं के N को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और समेशन जो है वो इन सब का है तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास आई है जो मैंने इस तरह करके लिख दी है अब मैं चलती हूँ ये मेरे पास आ गई मैंने आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस की मैंने आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया फिर हमने पढ़ा के कूलम फोर्स क्या होती है फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है ठीक है फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है तो वो मेरे पास आ रही थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो कि मेरे पास ये आ रही थी ठीक है इसी फॉर्मूले को मैंने वहां यूज किया है लेकिन ये कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट काम किया क्योंकि मुझे नहीं पता कितने सारे चार्जेस मौजूद होंगे वहां पर तो मैंने उस एक पॉइंट चार्ज पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही थी मैंने उन तमाम फील्ड्स का मैंने सम ले लिया तो मैंने उसको शॉर्ट में करके लिख दिया यहाँ तक हमने पढ़ लिया अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है अब यहाँ पर हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं द कॉन्फिगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल यानी हमारे पास दो ऐसे चार्जेस जो कि इक्वल अमाउंट के हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं और एक दूसरे पे कुछ ना कुछ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से मौजूद हैं तो ऐसी कॉन्फिगरेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल द मैग्नीट्यूट ऑफ चार्जेस ऑन ईच ऑफ द कंपोनेंट एंड देयर सेप्रेशन अच्छा यहाँ पर कुछ एक मिनट यहाँ पर कुछ टाइमिंग मिस्टेक हुई है ये आपके पास क्यू हो गई है ठीक है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने आपसे क्या कहा इक्वल है तो वो क्यू हो जाएगा और वो दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं डी के डिस्टेंस पे हैं अकर्स टूगेदर एज द प्रोडक्ट क्यू डी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है असल में वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल पी का और ये स्मॉल पी असल में बराबर होता है क्यू इन टू डी असल में क्या है वो दोनों चार्जेस का जो है वो मैग्नीट्यूड है और डी क्या है डी हमारे पास आया वो डिस्टेंस है जो एक दूसरे को ए, ए, जो दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है कि वो एक दूसरे कितने पे कितने फासले पर है अच्छा अभी कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये बिहेव करता है एज अ वेक्टर, बिकॉज इस डायरेक्शन पॉइंटिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज अलोंग द ब्लाइंड ज्वाइनिंग डैम यानी कहने का मतलब है मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है ठीक है दोनों का जो है चार्ज क्या है मैग्नीट्यूड क्या है सेम है सॉरी और इनके दरमियान की जो सेपरेशन है डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास डी है अब वो कह रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसका जो वो बिहेव करता है एज अ वेक्टर और उसकी डायरेक्शन क्या है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक पोल की डायरेक्शन क्या होगी

हमारे पास ये सो, अच्छा, सोडियम क्लोराइड नमक होता है रॉकस रॉक सॉल्ट और हमारे पास जो नमक होता है ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है अब वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू ऑन ईच आइन अब जो आपके पास जो चार्ज है क्यू तो दोनों आइन पे आपके पास लग रहा है ऑन ईच आइन ईच आइन कौन सा है एक सोडियम का एक क्लोराइड का सोडियम आपके पास पॉजिटिव होता है क्लोरीन आपके पास नेगेटिव होता है ठीक है सोडियम के पास एक एक जो है दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ठीक है सोडियम तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है और दोनों के ऊपर दोनों आइन के ऊपर जो चार्ज लग रहा है उसने उसको नाम दे दिया कि वो क्या है उनका मैग्नीट्यूड क्या है ई e है एंड द मेजर सेप्रेशन और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है फर्श कर लीजिए ये सोडियम का आइन है ये क्लोरीन का आइन है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस डी है उसकी वो वैल्यू कितनी दी हुई है पॉइंट टू थ्री सिक्स अच्छा अब नैनो एन मीन्स स्मॉल एन हम यूज करते हैं नैनोमीटर के लिए और वन नैनो जो है आपके पास इक्वल होता है टेन की पावर माइनस नाइन के अब वो कह रहा है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वन नैनो इज इक्वल टू द देंटी पार माइनस नाइन अब वो कह रहा है व्हाट इज द डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल आपके पास सोडियम और क्लोरीन के जो है वो आइन्स दे दिए गए हैं और उस पर उनसे कहा गया कि के दोनों के ऊपर जो चार्ज लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो ई e है अब वो कह रहा है वो दोनों से एक दूसरे से इतने फासले पर हैं 0.236 नैनोमीटर के अब वो कह रहा है उनके उनका जो है मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा तो मैंने आपसे क्या कहा आपके पास Q क्या है Q आपके पास E है और आपको पता है कि E आपके पास चार्ज होता है है वो भी एक वैल्यू होती प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो दोनों का चार्ज सेम है यानी मैग्नीट्यूड सेम है और वो कितना है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कुलम डी आपके पास क्या है दोनों डिस्टेंस से दोनों चार्जेस के दरमियान की सेपरेशन है और उसकी वैल्यू डी वे पॉइंट टू थ्री सिक्स नैनोमीटर, वन नैनो को देखो मैंने रिप्लेस कर दिया, टेन की पावर माइनस नाइन मीटर से ठीक है फिर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला होता है p इज इक्ल टू क्यू इन टू डी क्यू की जगह आपने क्या रखा यहाँ मैंने क्यू की जगह क्यू भी मेरे पास इक्वल है

तो उसका यूनिट क्या है आपके पास कूलम ये कूलम आ गया क्योंकि दोनों क्या है Q इन टू डी दोनों जो है प्रोडक्ट है Q अगर D को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है इलेक्ट्रिक डायपोल Q का यूनिट यानी चार्ज का यूनिट मेरे पास कूलम है और D जो के सेपरेशन है वो मेरे पास उसका यूनिट क्या है मीटर तो फिर मेरे पास आगे दो के प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आ गया दोनों का यूनिट सी डॉट एम डॉट जो है मेरे पास मल्टीप्लाई uh, को शो कर रहा है यानी कूलम डॉट मीटर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट है अच्छा अब यहाँ पर मैं एक आपको प्रॉब्लम लिख दे रही हूँ वो आप लोगों का होमवर्क है उसको आप लोग अपने उसमें नोटबुक में कर लीजिएगा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरे पास जो है वो चार्ज जो है गिवन है अच्छा मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम रहेगा लेकिन अभी मैं चार्ज की वैल्यू को डिफरेंट कर दे रही हूं तो ये अपने पास आप नोट कर लीजिए ये कर लीजिएगा और एक प्रॉब्लम इस मैंने लेक्चर में दिया हुआ भी है सिक्सटीन लिखा हुआ है मैं ऐसा करूंगी कि मैं ये लेक्चर जब अपलोड करूंगी यहाँ पर तो मैं उसमें जो है ये प्रॉब्लम दे भी दूंगी आप चाहें तो अभी इसको नोट कर लें। अच्छा आपको सवाल में जो अभी दिया हुआ है वो नैनो दिया हुआ है मैं आपको अब जो दे रही हूँ वो माइक्रो दे रही हूं और माइक्रो का मैंने दिखाया हुआ है कि माइक्रो किसके बराबर होता है वन माइक्रो बराबर होता है टेन की पावर माइनस सिक्स के तो यहाँ जो है मैं अपना लेक्चर आज का लेक्चर मैं यहीं छोड़ती हूँ कल जब मैं आप लोग से ढाई बजे इनशाला मेरा नेट ठीक होगा इनशाला जब मैं आप लोगों से मिलूंगी तो फिर मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगी क्योंकि अभी मैं ने, अगर नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया तो वो पूरा हो नहीं सकेगा और वो डिसकंटिन्यू रह जाएगा तो वो चीज़ें फिर समझ नहीं आएंगी तो इनशाला फिर हम नया टॉपिक अपना कल ही स्टार्ट करेंगे आ, मैं चाह रही हूँ कि अभी आप लोगों से मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए और अगर किसी को कोई चीज़ में परेशानी है जो अभी मैंने जितना पढ़ाया है तो वो मुझसे अभी सवाला कर सकता है ये जो मैंने यहाँ डेटा लिखा है इस डेटा को मैं जो हूँ जब आपको मैं मैं ये सेंड करूंगी पी बी तो मैं उसमें ये ऐड कर दूंगी ठीक है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बात कर ले आज कलेक्चर अगर अभी के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है या तो चैट में मैसेज करके पूछ ले या फिर माइक ऑन करके पूछ ले